अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हैं आप लोग? सुबह सुबह ये वीडियो देख रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही बड़ी और बहुत ही बुरी खबर है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। सऊदी अरब ने इंटरनेशनल फ्लाइट सस्पेंड कर दी है एक हफ्ते के लिए। और भी बहुत सारी बातें हैं, अभी आपको पूरी बात बताऊंगा फटाफट। तो यहां पर मैं स्क्रीनशॉट शेयर करना चाहता हूं, ट्विटर हैंडल जो सऊदी अरब का है, आप अभी के अभी ये वीडियो देखने का ट्विटर हैंडल जाके चेक कर लेना मेरा, वहां पर पूरा ट्वीट करके बताया गया है, ये कोई फेक नहीं है। सऊदी अरब ने अपना एहतियात बरतने के लिए कोरोना वायरस का जो नेक्स्ट उफान आ रहा है इसको बरतने के लिए इन्होंने ये ट्रैवल बैन किया है। तो इस ट्वीट में लिखा हुआ है कि आने वाले दिनों में अगर जरूरत पड़ी तो एक हफ्ते के लिए और बढ़ाया जा सकता है इसको। इसके बाद जो भी जमीनी रास्ता है, बॉर्डर हो गया, फिर से पानी वाला रास्ता हो गया, जो भी रास्ता है, इन सबको एक हफ्ते के लिए फिर से सील कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। इसे भी आने वाले दिनों में एक हफ्ते के लिए बढ़ाया जा सकता है। ये आपको पता है किसके लिए उठाया गया ये कदम? यूके और अन्य यूरोप देशों से जो लोग आ रहे हैं सऊदी अरब में, वहां जो है कोरोना वायरस ज्यादा, दोबारा से सेकेंड तूफान आ चुका है कोरोना वायरस का। इसलिए सऊदी अरब नहीं चाहता है कि हमारे यहाँ न्यू फिर से कोरोना वायरस फैले, इसलिए ये लोगों ने पहले ही बैन कर दिया हर चीज। तो ये भाई फ्लाइट का सिस्टम अभी सस्पेंड। कई देशों में उभरते हुए कोरोना वायरस COVID-19 के नए केस के जो है उफान बड़े ही तेजी से आ रहे हैं, तो इसलिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इसे बैन करना ही सही रहेगा, इसलिए ये फैसला लिया गया है। सऊदी अरब के स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा ये फैसला लिया गया है। तो भाई देखो, यहाँ पर सऊदी अरब नहीं चाह रहा है कि सेकेंड तूफान सऊदी अरब में दोबारा से आए कोरोना वायरस का। हमने जो इतनी सारी मेहनत की है, ये मेहनत पानी हो जाएगा। अब यहाँ पे एक हफ्ते के लिए पूरी फ्लाइट सस्पेंड हो गई। आने वाले दिनों में अगर जरूरत पड़े एक हफ्ता का और भी बढ़ा लो, मतलब 15 दिन फ्लाइट बंद हो गया ये मान लो, लिख लो अल्लाह जाने भाई। ये था अपडेट। आप सऊदी अरब के ट्विटर हैंडल को फॉलो करके रखें। कब से मैं कह रहा था आप सबको कि भाई जो दुबई होकर के आना चाहते हो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब पता नहीं जो भाई दुबई में इंटर किए हुए हैं और वो क्वारंटाइन में है, उनकी क्या हालत होगी, उनका क्या सिस्टम होगा, अब आने वाले दिनों में पता चलेगा क्या होता नहीं होता है। फिलहाल ये खबर संडे को रात के 12 बजे ही बता दिया गया। आज तो मंडे हो गया, वीडियो देख रहे हो मंडे को। तो भाई ये था अपडेट, अभी मैंने आपको सुबह सुबह बता दिया है। ये बेहद ही बुरी खबर है, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ का कानून जो है वो कानून है। मुझे आपको बताना था, फटाफट मैंने आपको बता दिया है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल पे लेटेस्ट अपडेट जो भी आएगी सऊदी अरब रिलेटेड मैं आपको बताता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाले दिनों में कौन कौन सी अपडेट आती है बेल आइकन पर क्लिक करके रखिए, जो भी अपडेट आएगी फटाफट आपको पता चल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।